नमस्कार दोस्तों, देखिए समय 8:48 हो रहा है सुबह का, लेकिन यहाँ पे पोजीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ 345 लॉस है। ये मैंने कल एक्सपायरी डे पे होल्ड किया था पोजीशन, 11,700 का पुट लिया हुआ था, सॉरी 11,000 कह रहा हूँ, ये 17,500 का कॉल लिया हुआ था मैंने और 17,000 का पुट लिया हुआ था मैंने, जिसके वजह से मुझे 17,000 के पुट में 17,500 का लॉस और 17,500 के कॉल ऑप्शन 327 का लॉस हो रहा था, और इसको मैंने होल्ड आउट कर लिया था। और इसलिए मैं अभी दिखा रहा हूँ कि अभी मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहूंगा, जा रहा हूँ बच्ची को स्कूल पहुँचाने, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन रहेगा। तो रिकॉर्डिंग ऑन रहेगा तो इसका मतलब मार्केट भी ओपन होगा, सब कुछ ओपन होगा, तो यहाँ पे अपने आप पोजिशन चेंज होता रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। वो आप देखिएगा, फिर मैं जब आऊंगा फिर मैं सिस्टम पे बैठूंगा और अपने लाइव सेशन ऑन करूंगा अपने स्टूडेंट लोगों के साथ, फिर मैं वहां पर से आपको अपडेट करूंगा। तो ये रिकॉर्ड ये आपके सामने छोड़ देता हूं, अपने आप मार्केट ओपन होगा 50 मिनट, बीच में मैं एडिट कर ये टाइम जो है ना थोड़ा सा ये कर दूंगा वीडियो बहुत, क्योंकि अभी 8:50 हो रहा है, सब मार्केट 9:15 में ओपन होगा, तो बीच का उतना देख के क्या करिएगा। तो डायरेक्ट मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद जो है वहां से हटा के डायरेक्ट लेके चलाऊंगा 9:14 या 13 पर, वहां से फिर जब मार्केट ओपन होगा तो फिर आप देखिएगा कि क्या होता है। फिर मैं मुझे आते आते 9:30 बज जाएगा, 9:30 हो जाएगा या 9:35 भी हो सकता है, तो फिर मैं वहां पर से आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसको ऑन ही छोड़ देता हूँ रिकॉर्डिंग, जहां पर होगा आपको पता चल जाएगा। दोस्तों थोड़ा विलंब हो गया, वीडियो आपने देखा होगा शुरू में जो है चल रहा होगा उसमें बिना वॉइस के, क्योंकि मैं था नहीं, वही बच्ची को स्कूल पहुंचाने जाता हूँ, थोड़ा विलंब हो जाता है। तो देखिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे यहाँ पे चल रहा है। एक्चुअली ये दो लॉट, एक लॉट मैंने पुट लिया हुआ था, एक कॉल लिया हुआ था, हेज करके रखा हुआ था, कल ही मैंने डिलीवरी में लिया हुआ था। तो अभी मैं देखता हूँ कि इस कॉल और पुट में अभी मैं रहूँगा, पूरा दिन इसमें बना रहूँगा, क्योंकि कॉल और पुट मेरा बना हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं जल्दी से लाइव सेशन ऑन कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। तो यहाँ पर आ चुके हैं लाइव सेशन मेरे स्टूडेंट लोगों के साथ। चलिए तो ये आप लोगों को मेरी आवाज़ जा रही है, आवाज़ और स्क्रीन जा रहा है, नमस्कार नमस्कार, ओके ओके जा रहा ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए मार्केट में रिकवरी है, कल का जो उतना फॉल हुआ था सडनली रिकवरी है, नया पोजीशन अगर लेना है तो आज का हाई के ऊपर लेना है, यानी कि मार्केट का जो आज का हाई है ऊपर वो है 17,685, ठीक इसके ऊपर आपको लेना होगा। 700 एक हर्डल है, लेकिन अगर यहाँ पे रुक जाता है तो यहाँ से आपको एक मूवमेंट बन सकता है ऊपर साइड में। 700 अगर ब्रेक होता है तो तेज शॉर्ट कवरिंग बनेगा, क्योंकि वहाँ पे लगभग 70 लाख के आसपास में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 700 पर, देखिए 65 लाख। तो यहाँ पे तेज रिकवरी ऊपर की साइड में शॉर्ट कवरिंग आएगा अगर 700 के ऊपर टिकता है तो, इसलिए आपको पोजिशन लेना होगा तो 700 के ऊपर लीजिएगा। फिलहाल मेरा कल का ये दो ट्रेड था, मैंने हेज करके ले लिया था इसको, अपना पोजिशन को थोड़ा हेज कर रखा था। तो ये आप यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार चलता हुआ नजर आ रहा है, आज का दिन मेरा बन गया, कंप्लीट हो चुका है।
थोड़ा लेट मैं इसलिए हो गया क्योंकि बच्ची को स्कूल पहुंचाने जाता हूँ ना, तो थोड़ा लेट हो जाता हूँ, इसलिए माफी चाहूंगा। ठीक है, तो आज के हाई के ऊपर M&M अच्छा है मोमेंट में, तो M&M में 1277 से लेके 1280 का एक सपोर्ट एरिया, आपको इसके आसपास अगर आता है M&M तो यहाँ पर आप बाय करने का कोशिश करिए। टेक महिंद्रा ये ऑलरेडी काफी पॉजिटिव है, बहुत ही शानदार तरीके से टेक महिंद्रा 1100 का आज का हाई है 1197, तो टेक महिंद्रा में भी जबरदस्त मूवमेंट बना हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। नमस्कार नमस्कार सारे लोगों को, TCS को बाय करना चाहते हैं, बिल्कुल बाय करिए TCS को, बिल्कुल करिए, डरिए नहीं, TCS को बाय करिए, डरिए नहीं। अगर आपका बाय के रडार पे, तो बाय करने से डरिए मत, बसरते लेवल आपके आ जाना चाहिए। नमस्कार प्रताप जी, लेवल आपका मैच कर रहा है तो बिल्कुल बाय करिए, डरिए बिल्कुल भी नहीं। बजाज फाइनेंस को सेल किया, बहुत बढ़िया। करेंसी को सेल करके चल सकते हैं, 79.84 के पास सेल करिए, हालांकि आप यहां पे भी सेल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे थोड़ा रिस्क बन जाता है ज्यादा। और बोलिए, थोड़ा विलंब के लिए माफी। बजाज फाइनेंस को सेल किया प्रमोद जी ने, बहुत बढ़िया प्रमोद। चलिए टेक महिंद्रा ठीक है, मेरा पोजीशन 2600 का चल रहा है, 17500 का कॉल और 17000 का पुट, मैंने पुट दूर का ले रखा था कि अगर कुछ सडनली फॉल होता है तो ये मुझे बेनिफिट दे सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको बोलते हैं। चलिए लूपिन को बाय करिए तो जरा देखें कॉन्फिडेंस कितना है, क्या लूपिन को कोई है जो यहाँ पे बाय कर सकता है? मैं बाय करूंगा लूपिन को, देखिए आप समझिए, है ना, मैं चाहता हूं कि आप रिस्क लीजिए, ठीक है, कॉन्फिडेंटली। आपको लग रहा है कि ये कंटिन्यू गिर रहा है, पड़ रहा है, मर रहा है, हरा रहा है, मैं देखिए सिंपल से समझिए, मैं लूपिन को बाय कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से दे रहा हूँ, मैं बाय करना चाहता हूँ चलिए लूपिन, और मैं बाय करूंगा, तब तक नहीं बाय करूंगा जब तक ये 665 के ऊपर, कितना के ऊपर, 665.25 रुपया या 665.20 रुपया के ऊपर जब तक नहीं निकल जाए मैं तब तक बाय नहीं करूंगा। तो मैं एक ऑर्डर यहाँ पे लगा रहा, एक तो कंडीशन हो गया, दूसरा दूसरा है कि 600 यहाँ पर जो बाइंग बन रही है, एक छोटा रिस्क आप यहाँ पे भी चाहेंगे तो ले सकते हैं, मतलब करेंट भाव पे भी आप ले सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप इस तरह से अपनी क्वांटिटी को मैनेज करिए कि अगर आप क्वांटिटी लेना चाहते हैं कि बड़ी क्वांटिटी मल्टीपल क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो कैसे ले, आपका लेवल आया नहीं, कैसे आप क्वांटिटी मल्टीपल ले सकते हैं? तो पहला क्वांटिटी आप पहले मान लीजिए 100 क्वांटिटी लेना है, आप उसको डिवाइड कर लीजिए, 100 क्वांटिटी लेना चाहते हैं आप उसको डिवाइड कर लीजिए, 100 क्वांटिटी को दो पार्ट से लेके तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक पार्ट को उसी जगह पे लीजिए जो आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से स्टॉक रिवर्ट कर सकता है, वन पार्ट को आप वहीं पर लीजिए जहां पर से आपको लगे कि स्टॉक रिवर्ट कर सकता है, सेकेंड पार्ट को उस लेवल के ऊपर लेंगे जहां पर से स्टॉक्स में मूवमेंट आने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से मल्टीपल क्वांटिटी मल्टीपल ऑर्डर लगा दीजिए, दो तीन ऑर्डर, वहां पे आपका रिस्क कम हो जाएगा। और अगर आपका ट्रेड गलत जाता है, सपोज चला गया गलत, मान लेते हैं क्योंकि 100% सही तो होगा नहीं, अगर वो गलत गया तो गलत जाने की संभावना में जो पहला ऑर्डर आपने ले रखा है सिर्फ उसी का स्टॉप लॉस जा सकता है ना। मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ रहे हैं आप सब? जो समझाना चाह रहा हूं समझ रहे हैं? तो एक एक छोटा क्वांटिटी उस जगह पे डाल दिया जहां पर से आपको लग रहा है रिवर्सल आ रहा है,
दूसरा क्वांटिटी वहां पे डालेंगे जहां पर से लगेगा मूवमेंट बन रहा है, और तीसरा क्वांटिटी वहां पे ऐड करेंगे जहां से लगेगा कि हाँ अब ट्रेंड बदल गया, अब ट्रेंड हमारे गियर में है, अब ट्रेंड हमारे साइड में है, तो हम वहां पर उस लॉट को फिर ऐड कर देंगे, है ना। 17,500 का कॉल है ना मेरे पास, और इसमें 3,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी देखिए ये नीचे आ रहा है, क्यों आना चाहिए, 17,700 पर हर्डल है, वहां से वो नीचे आ रहा है, कितना नीचे आ सकता है सवाल उठेगा कि कितना। बिल्कुल आप लोग बात समझिए, बहुत अच्छी बात, कितना नीचे आ रहा है, तो आ रहा है। अब नीचे में भी हमें यहाँ पे डर लगेगा आपको कि अच्छा ये तो कंटिन्यू फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है। स्टडी, यहीं पर आपका स्टडी काम आता है। आप लोग बहुत चीज में बार बार, कुछ लोग हैं अभी भी पर्टिकुलर अपनी आदत सुधार नहीं रहे, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ उन सारे लोगों से जो अपनी आदत नहीं सुधार रहे हैं, वो बहुत कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने लग जा रहे हैं। एक सिंपल सा ट्रेड में रॉकेट साइंस का यूज नहीं होता है, मैं देख रहा हूँ अभी भी लोग अपनी आदत नहीं सुधार रहे, बहुत कुछ देखने लग जाते हैं। अच्छा सर ऐसे करते तो सर FI फलना कर रहा है, DI फलना कर रहा है, इसमें ये नहीं हो रहा है, इसमें वॉल्यूम नहीं, भाई मत करो ऐसा, क्यों पैर पे कुल्हाड़ी मारने हैं, क्यों अपने आप से दुश्मनी निकाल रहे हैं आप। देखिए 17,650 मेक और ब्रेक लेवल है, यहाँ पे 16,88,000 कॉल राइटर है, और इसी जगह पे पुट राइटर बैठा हुआ है 16,88,000, यानी ये वो एरिया है जहाँ मेक और ब्रेक का मुकाबला है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव, याद रखिए 17,650, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझना होगा, लेकिन कुछ लोग अभी भी हवाई जहाज पे बैठे रहते हैं, दिमाग में लेके हवाई जहाज, बहुत कुछ देखने रहते हैं। सिंपल सा चीज बोलता हूँ, सिंपल सा चीज देखो भाई ना, उनसे तो होना नहीं है सिंपल सा चीज, क्यों देखेंगे सिंपल सा चीज, बहुत कुछ देख लिया ना यूट्यूब चैनल पे, जैकपॉट देख लिया, फलाना देख लिया, ढकलाना देख लिया, 5,000 लगा के 50,000 रोज कमाओ वाला देख लिया, तो क्यों देखना है, है ना, क्यों सिंपल चीज करना, उनको तो रॉकेट साइंस चाहिए। अभी भी नहीं सुधार रहे, अभी भी नहीं सुधार, इतने साल हो गए फिर भी ऐसा लोगों को लग रहा है। यहाँ पे जो आप देखिए, एक जान लीजिए आप लोग स्टूडेंट है ना, तो मुझसे छिपता कुछ भी नहीं आप लोगों का, आप लोगों का वर्ड जो आप लोग लिखते हैं ना एक दूसरे से चैटिंग करते वक्त जो वर्ड यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ड में वो इंटेंशन रहता है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं एक्चुअली, क्या जानना चाह रहे हैं एक्चुअली, क्या लेना चाह रहे हैं एक्चुअली, एक्चुअली आप लोग रॉकेट लेना चाह रहे हैं। कुछ लोग लिखते हैं ऐसे वर्ड, उनको लगता है नहीं ये तो गधा बैठा है, इसको तो पता ही नहीं चलेगा ना, ये तो गधा बैठा है, इसको तो मालूम ही नहीं चलेगा, अरे सर जी मेरा यही काम है, मैं यही करता हूँ, मुझे पता नहीं चलेगा तो किसे पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग वो चीजें अभी भी मत ढूंढिए, वरना आप गायब हो जाएंगे मार्केट से, आप गायब हो जाएंगे, है ना, इसलिए ऐसा मत करिए सर, आप मार्केट से गायब हो जाएंगे, मार्केट आपको रहने ही नहीं देगा। तो वो सब काम मत करिए सर, मालिक पैसा आपका है ना, तो क्यों करना है वो काम, लेकिन अभी भी करते हैं तो हम क्या करें, हम बोल बोल के थक गए आप लोगों को, भैया मत करो ऐसा, भैया मत करो ऐसा, लेकिन ना क्यों सुनना है मेरा बात, है ना, क्यों सुनेंगे। हाँ, तो ऑल ऑर्डर टिगर हो चुका है, ऑल ऑर्डर टिगर हो गया है लुपिन में। अब आप देखिए कितने लोगों का दिल का धड़कन जो 72 बार धड़कता है ना कलेजा अंदर में, अब वो हो गया होगा 144, अरे सर गिर रहा है, अरे बा गलत हो गया, हो गया, हमारा स्टॉप लॉस किस दिन काम आएगा, उसी दिन ना काम आएगा, स्टॉप लॉस किस दिन काम आएगा, उसी दिन के लिए काम आता है, लेकिन ना वो स्टॉप लॉस भी नहीं लेना है उनको, है ना, अब कोसते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, अपना नेगेटिव चीज फॉलो करते रहेंगे, नेगेटिव चीज को देखते रहेंगे, कहां कहां से क्या क्या ढूंढ के उठा के लेके आएंगे पता नहीं। सिंपल से एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 660 रुपए का, और भूल जाइए कि आपने इसमें कोई ट्रेड किया, सिंपल सा एक स्टॉप लॉस 660 रुपए का लगा लीजिए और भूल जाइए, और कभी भी इसमें नहीं राउंड में लेना है ना, और भूल जाइए कि आपने कुछ लिया है। आप लोगों को सही में ये गलत फहमी हो गया कि मुझे कुछ मालूम नहीं चलता है ना आप लोगों को, हरकत मैं खबर तो मिल ही जाती कि आप लोग एक्चुअली रॉकेट साइंस के पीछे पड़े, मत पढ़िए सर, मत पढ़िए रॉकेट साइंस, जीवन में कुछ भी नहीं है रॉकेट जैसा, कुछ भी नहीं है, वो मंगल पे जाने के लिए ठीक है ना, ऐसे ढूंढेंगे तो पागल हो जाएंगे, है ना, ना करिए मालिक, पैसा आपका है बहुत, संभाल के रखिए।
अब जरा कल का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है कि अगर कल किसी ने कॉल भी लिया होगा, लास्ट टाइम में किसी ने पुट भी लिया होगा, किसी ने कॉल भी लिया होगा 3 बजे, किसी ने पुट भी ले रखा होगा, तो ये बताइए कि लॉस तो हो गया होगा कॉल वाले को, नहीं हुआ होगा। अगर लोग ट्रेड कर रहे हैं तो किसी ने कॉल भी ले रखा होगा, किसी ने पुट भी ले रखा होगा, तो कॉल वाले को तो लॉस हो गया होगा। तो क्या कहेगा, अरे सर जब ये देखिए ना लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो आपने तो गलत लिया ना, तभी तो लॉस हुआ। आपके सामने जो है पुट वाला उसको तो प्रॉफिट हो गया, उसको तो बिल्कुल प्रॉफिट हो गया। जब पुट वाला तो मेरा खुद 54 का पुट जो है, मेरा खुद 54 का प्रॉफिट 450 हो गया 54 का पुट, और मैं बार बार रिफ्रेश करके मोबाइल में देख, उस वक्त मैं भी मार्ट गया था 3 बजे के आसपास, एग्जैक्ट 3 बजे का भी मार्ट में था। वो थोड़ा सा घर के लिए वो पर्दा वगैरह लेना था, तो वहां गया तो मैंने मेरा एक पुट लगा हुआ था, ठीक है, पुट लगा हुआ था यही 17,500 वाला, यही लगा हुआ था 17,500, और वो अचानक 54 से पहुंच गया आपका 450। मैं तो खुद हैरान हो गया, मैं बार बार रिफ्रेश करके देख रहा हूँ कि ये कहीं गलत तो नहीं देख रहा, मैं खुद गलत तो नहीं देख रहा। तो चीजें हो जाती, क्यों, क्योंकि मैंने स्टडी किया हुआ था एक दिन पहले कि अगर इसके ऊपर निकल जाएगा तभी ये पॉजिटिव होगा, इसके पास में जब तक रहेगा ये निगेटिव माहौल में फंसा रहेगा, है ना, ये निगेटिव माहौल में फंसा रहेगा। अब वो चीजें ना करके आप ये सोचेंगे कि 54 रुपया लगाया, 54 रुपया में देखो इतना कमा लिया, 4 पॉइंट टाटा कर में बुक हो गया, बहुत बढ़िया पाटिल साहब, बहुत बढ़िया, ठीक, और 54 रुपया लगा 450 कमा लिया मैंने एक लॉट में, तो कैलकुलेटर लेके बैठेंगे तो आप देखेंगे लगभग लगभग 3,000 लगा, 55 रुपया राउंड नंबर पकड़ते हैं तो लगा 2750, और 450 के आसपास में बिका, 50 का लॉट है तो 22,000 हो गए, है ना, अरे 2700-2800 लगा के 22,000 हो गया, अरे बाप रे बाप 22,000, यही तो गजब है, ओहो हो हो, यही 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 करो, ऑप्शन ऑप्शन ही करो भैया, ओहो जबरदस्त, इसमें तो छकता है पैसा, एकदम छाक देता पैसा, ना ऐसे दिमाग में आए होंगे, अरे भैया मैंने पुट ले रखा था, कॉल ले सकता था ना, मैंने भी कॉल ले सकता था लेकिन नहीं लिया, क्योंकि आपने एक दिन पहले देख लिया और मेरे पास है 17,500 का स्टॉप लॉस, इसके ऊपर जाएगा तो मैं एग्जिट करूंगा, बस उतना सही दिमाग में था, इसके ऊपर निकलने के बाद ये मूवमेंट बदल जाएगा, नहीं गया तो हमारे फेवर में आ जाता तो कट जाता, है ना। लेकिन अभी भी लोग कहते, तो फिर मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि आप लोग में से बहुत लोग अभी भी रॉकेट साइंस पकड़ के बैठे हैं, वो मुझे दिख जाता है इसलिए कि एक ने कह दिया कि जब ये मैंने कॉल और पुट ये ऊपर और नीचे हो रहा है तो नीचे, हमको ये कैसे पता चलेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये कैसे पता चलेगा, फलाने वाले पुट में ही प्रॉफिट होगा, और जब प्रॉफिट ही होगा तो हम वही क्यों नहीं लेंगे, अरे ये कैसे पता चलेगा, कोई भगवान यहाँ नहीं है भैया, आपने 17,500 550 का भी लेते तो भी पुट में प्रॉफिट बन जाता, ऊपर से नीचे आता बहुत तेजी से आता, आपको बन जाता, 17,600 का भी लेते, 17,200 भी ले लेते तब भी कल प्रॉफिट बन जाता, जिस तरह से मार्केट नीचे गिरा था बहुत तेज से फॉल हुआ था। तो समस्या ये है कि आपने जो एनालिसिस किया है वो आप खुद फॉलो नहीं कर रहे, रात में देख तो लेते हैं सुबह भूल जाते हैं, सुबह चले जाते हैं किस पर, जैकपॉट ढूंढने, एक आदमी 4 टेलीग्राम फॉलो कर रहा है, मैं जानता हूं लोग मुझे झूठ बोलते हैं कि सर नहीं नहीं मैं कोई टेलीग्राम फॉलो नहीं करता, मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप में फॉलो नहीं करता, मैं जान रहा हूं कि सब झूठ बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे एक आदमी 5-5 टेलीग्राम फॉलो कर रहा है और उसमें ज्यादातर टेलीग्राम का हेडिंग जो रहता है जैकपॉट के से स्टार्ट होता है, जैकपॉट से मिला जैकपॉट, जिन्होंने कल कॉल ले रखा था मिला क्या जैकपॉट, बता दीजिए लिख के, मिला है तो बताइए, मत करिए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए मालिक, पैसा आप लोग के पास होगा बहुत सारा मैं मानता हूं, है ना, पर वो कब जीरो हो जाएगा पता नहीं चलेगा, है ना, ऐसा नहीं, जान मत दीजिए, जबरदस्ती का उल्टा सीधा काम करिएगा
मैं जो हूँ ना गुस्सा जाऊंगा फिर मैं, क्योंकि मैं भाई मैं गलत चीज को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ऐसा नहीं कि कोई नया वाला आदमी बोल रहा है ये बात, कोई नया आदमी ये बात बोल रहा है, नहीं, जो उल्टा सीधा टाइप का माने जैकपॉट जैसा वाला जो सवाल पूछ रहा है वो कोई नया आदमी पूछेगा ना, कि जो नया आया एक महीना डेढ़ महीना पहले, तो मैं समझ सकता हूँ चलो अभी इसको नॉलेज नहीं है। जो 4 साल से कर रहे हैं वो भी यही बात बोल रहे हैं, जो 5 साल से कर रहे हैं वो भी यही बात कह रहा है। अरे मालिक क्यों ऐसा करते हैं, नौकरी करते हैं तो जैकपॉट मिल पहुंचते हैं नौकरी में, क्या कि आज जैकपॉट वाला सैलरी मिल जाए ना मजा आ जाए। सैलरिया तो वही मिलता होगा जो आता है अकाउंट में, जैकपॉट ढूंढाते हैं उसमें। 17,700 की पी देख रहा था, 15,190 हो गया, हो गया ना तब। यही चीज है, ये देखिए आपको बुरा लगेगा मेरा बात, मैं मानता हूं मैं बुरा लग सकता हूँ, लेकिन ये आपके भले के लिए बोल रहा हूँ सर, भले के लिए। वीकेंड है, हंसी खुशी रहिए, वीकेंड में जो प्रॉफिट आप बनाते हैं सप्ताह भर में, जो लॉस लेते हैं जो प्रॉफिट बनाते हैं वो आपका है, मेहनत जो लिया उसको लेके जाइए तो कम से कम घर। आज के ये बच्चे से बच्चे क्या खाओगे बताओ, ये आज मैंने कमाया ये, और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको कि मैं जब जिस दिन बेटी घर में रहती है ना, मैं उसको अपने मोबाइल स्क्रीन दिखाता हूँ, ठीक है, कि देखो ये इतना कितना चल रहा है बताओ, तो काउंटिंग वो काउंटिंग करती है इतना, और वो हर बार एक ही बात बोलती है कि आज तो खर्चा करवाऊंगी, है ना, आज तो खर्चा करवाऊंगी। तो मैं कहता हूँ अरे इतना तो कर रहा हूँ तो खर्चा ही तो हो रहा है, ये घर बन गया, ये हो गया, तुम्हारे लिए इतना चीज आ गया। बोलते नहीं 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 नहीं, मैं आप कमाते हो तो मैं तो खर्चा करवाऊंगी, है ना, मैं तो खर्चा करवाऊंगी। उसका एक ही है कि बस ये कमा रहे तो मेरे पीछे खर्चा होना चाहिए। तो ये चीजें आप पूरा कैसे करेंगे, है ना, ये कैसे पूरा होगा। आप लेते हैं दिन भर में, शाम में जाके दे देते हैं वापस मार्केट, लेते हैं दिन भर पैसा, मार्केट देता भी है और उसको वापस जाके शाम में जो मार्केट बंद होने से पहले आप मार्केट एक थमा देते, लो जी तुमने हमको दिया था दिन भर में प्रॉफिट, लो वापस ले लो। इतना दयालु है तो मेरा बैंक अकाउंट ले लीजिए, मेरे में डाल दीजिए, हाँ मेरे में डाल दीजिए ना, मेरी नजर आप सब पर रहती है। कुछ लोग चोरी छिपे करते हैं, कुछ खुल के करते हैं, लेकिन नजर मैं सब पे रखता हूँ कि एक ही आदमी 5-5 टेलीग्राम फॉलो करता है जैकपॉट जैसा। सर आप लोग ना या तो अभी भी नहीं समझ रहे हैं या मार्केट आपके लिए है नहीं, सीधी बात है। बुरा लग जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा बुरा अपना जगह पे लगेगा, लगता रहेगा, मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं कर सकता सर, लेकिन मीठा बन के क्या करूंगा बोलिए, क्योंकि जब आपका काम ही मन खराब हो जाएगा तो ऐसा मीठा बोल के क्या वो फायदा। मैं चाहता हूँ सारे लोग भाई अब जो जो मैच्योर हो चुके हैं कम से कम वो तो अपनी मैच्योरिटी दिखाए। प्रमोद जी कह रहे मैंने तो ऑप्शन बंद ही कर दिया। नहीं नहीं करिए, करेंगे क्यों नहीं भाई, जरूर करिए, लेकिन करने का भी एक प्रोसेस है ना सर, करने का भी एक प्रोसेस होता है ना, बोलिए ना, ऐसे थोड़ी हो जाता है कहीं से कुछ भी। करने का एक प्रोसेस होता है मालिक, वो फॉलो करके करिए ना। मैं भी तो करता हूँ, मैं धीरे धीरे स्टॉक ऑप्शन में आ गया, है ना, धीरे धीरे मैं स्टॉक ऑप्शन करने लगा कि नहीं करने लगा। टेक महिंद्रा का एक कॉल लिया हुआ है मेरे पास 1140 का, मैं आपको बताता हूँ, और ये तारीफ नहीं कर रहा मैं, बताता हूँ आपको। मुझे कल फोन आया परसों, एक बात बताइए सर कि आप कैसे एनालिसिस करते हैं,
और ये किसी एक बड़े ब्रोकर ने फोन किया, बहुत बड़ा ब्रोकर है भारत का, ठीक है, उसके तरफ से फोन आया। और ये मैं फिर बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं तारीफ भी अपनी नहीं कर रहा, कैसे आप एनालिसिस करते। मैंने कहा क्यों क्या हो गया, आपने टेक महिंद्रा लिया ना 1140 का, क्योंकि उसी के उस पर लिया हुआ था, मेरा उसके पास अकाउंट है तो मेरा उस पर चल रहा है 1140 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ था। मैंने कहा हाँ लिया है सेप्टेम्बर। तो ये बताइए पूरा आईटी सेक्टर 4 दिनों से निगेटिव चल रहा है ना, सारा आईटी सेक्टर निगेटिव है, सारे आईटी स्टॉक्स निगेटिव है, लेकिन आपका टेक महिंद्रा पॉजिटिव है और प्रॉफिट में भी है, वो कैसे हुआ? क्योंकि हमारी कंपनी ने, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो फुल टाइम ब्रोकर वो है, फुल ब्रोकर है, तो आप भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, ब्रोकर है, तो वो प्रोवाइड भी करता है, वो मैसेज आते हो ना, जो फुल ब्रोकर होता है वो मैसेज भेजता है ना अपने क्लाइंट को, फलाना बाय कर लो, चलाना बाय कर लो, मैं कभी नहीं देखता। उसने कहा हमारा जो ये है ना फर्म, हमारा फर्म सेल की बात कर रहा है, बाय की बात कर रहा है, हमारा भी फर्म बाय की बात कर रहा है, लेकिन हमारे फर्म ने जिस स्टॉक्स पे बाय कर दिया है ना, वो सारे स्टॉक नहीं चले, पर आपने सिर्फ टेक महिंद्रा लिया और हमारे फर्म ने टेक महिंद्रा नहीं दिया और वो टेक महिंद्रा चल रहा है, वो आप कैसे देखते हैं, क्या चीज देखते हैं? हाँ, मैंने कहा अरे भाई मेरा अपना प्रोसेस है, मैं अपना चीजों को फॉलो करता हूँ। का वही सिर्फ नहीं पता चला कि आपका मैं देखता हूँ, जो भी आप स्टॉक्स लेते हैं आपका वो प्रॉफिट में आता है। एक दिन उसने मुझे डरा रहा था, सर ये आप गलत जगह पे ले रहे हैं। क्या लिया था मैं बताता हूँ, मैंने लिया था एक पुट ऑप्शन, और वो हाँ वही अडानी इंटरप्राइजेस वाला, याद आया, आपको भी दिया था ना, आप लोगों को भी, अडानी इंटरप्राइजेस का जो विध्वंस हो गया था उस दिन, जबरदस्त मूवमेंट बना था। उसने कहा कि आपने अडानी इंटरप्राइजेस लिया, कितना कॉन्फिडेंटली आपने बोला, मैंने मना भी, उसने मुझे मना भी किया, सर हमारे तरफ से बाय रिकमेंड है इस स्टॉक में। हमने कहा आपके तरफ से बाय रिकमेंड है ना, मैं सेल करूंगा, आप करिए ना सेल मेरे अकाउंट में, क्या दिक्कत है, करिए मेरे तरफ से सेल, मारिए मेरे अकाउंट में। उसने सेल मारा, उसने मुझे कॉल किया, लेकिन वो भी अच्छा था, उसने मुझे कॉल किया बाद में, सर मानना पड़ा आपका गजब, हम लोगों की तरफ से बाय रिकमेंड गया था सारे क्लाइंट, लेकिन आप अकेले थे जो सेल करने के पीछे लगे हुए थे, कैसे किया सर ये आपने, और आपने तो जबरदस्त कर दिया, मतलब बहुत अच्छा हुआ आप। मैंने कहा अरे सर तू बच्चे का जान ले रहे, मेरा यही काम है सर, मैं यही से खाता हूँ, यही से पीता हूँ, यही से सोता हूँ, मेरा घर ही इसी से चलता है, तो फिर आपको क्या बताऊँ मैं, बोला लेकिन मानना पड़ेगा सर। कल इसी के लिए टेक महिंद्रा के लिए बोल रहा था कि सारे निगेटिव आईटी, लेकिन आपका पॉजिटिव कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा। हो जाता है, अभी भी देखिए टेक महिंद्रा मेरा जो है उसमें चल रहा है, बहुत ही मस्त प्रॉफिट चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। अब 1140 का कॉल लेके बैठो, अब ऐसा थोड़ी कि आप भी ले लीजिए, अब लेट हो गया, अब थोड़ा लेट हो चुका, आपको समझना पड़ेगा। आप कह रहे होंगे अरे सर ये तो ये सतत प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया मतलब एक लंबा समय बिताना पड़ता है जहां पर आपको वो एक्सपीरियंस बन जाएगा कि हाँ अब जो है आपको यहां पे क्या करना, सतत अभ्यास सतत प्रक्रिया है वो, और इसमें टाइम लगता है सर, है ना, इसमें टाइम लगता है, किसी को 6 महीने में हो जाता है, किसी को 2 महीने में हो जाता है, किसी को, मेरे पास तो ऐसे लोग हैं जो 20 साल में भी नहीं कर पाए, है ना, जो 20 साल में भी बोलते हैं मैं 20 साल से मार्केट में हूँ लेकिन लॉस करता हूँ, तो एक्चुअली वो कर क्या रहा है, क्योंकि उसने जब 2000 में किया होगा मार्केट स्टार्ट, उसके बाद छोड़ दिया होगा मेरे ख्याल से, और उसके बाद वो आया होगा 2015 में, तो वो गिन रहा है 2000 से, है ना, कि मैं तो 2000 से मार्केट, 15 साल गैप करने के बाद भी अपना एक्सपीरियंस वो उतना बता रहा है, एक्चुअली वो तो फॉल्स हो गया, आप कंटिन्यू नहीं रहे ना, मार्केट कब बदल गया, मार्केट कब कहाँ चला गया, आपको कैसे पता चलेगा। अब देखिए मैंने करेंसी को बोला था 79.84 के नीचे सेल करने, है ना, और ये भी कहा था कि यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे रिस्क बढ़ जाएगा, तो आप देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया उनका रिस्क बढ़ चुका है, लेकिन जिन लोगों ने 79.84 के नीचे सेल करना है उसका लेवल ही नहीं है, प्राइस नहीं है, तो एक्चुअल पिन पॉइंट आपको पकड़ना है। तो 79.84 देखिए टेलीग्राम पे भी वही कॉल दिया हुआ है मैंने, मोबाइल ऐप पर भी वही कॉल है 79.84 के बिलो, तो जिन लोगों ने ऑर्डर ट्रिगर वहां पे नहीं हुआ 79.84 वो सेफ्टी बैठा हुआ है, जो रिस्क लेना चाहते हैं यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर रिस्क है, ये लेवल है उन लोगों के लिए जो रिस्क लेना चाहते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि जनमन अबरा कडाबरा मारा और हो गया, ऐसा नहीं करना मालिक।
मैं चाहता हूँ सारे लोग अपने हैं। अब ऐसा कुछ लोग दुश्मनी निकालेंगे कि कभी उनके शहर जाऊंगा घूमने, शहर में घूमने जाऊंगा, एड्रेस पूछूंगा कि फलाना गली का नाम किधर से जाना बताइए, तो अब वो कहेगा अच्छा इसने मुझे डांटा था, इसने मुझे डांटा था लाइव में, चलो इसको गलत पता बता दो, ये बेटा बोकता रहेगा, ये है ये उधर आ जाएगा, इधर ही फंस जाएगा। अब ऐसे दुश्मनी तो नहीं निकालिएगा, बदला कैसे निकालना। नमस्कार अमित जी, नमस्कार। तो काम हो गया, हम लोग का वीकेंड है, कोई दिक्कत नहीं, समय 10 बज चुके हैं, काम हो चुका है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन कैसे आपको पोजीशन लेना है, कैसे क्वांटिटी पुट करना है, क्वांटिटी डालना है, ये मैंने आपको शुरू में बताया कि किस प्रकार आप मल्टीपल क्वांटिटी ले सकते हैं। अच्छा बताइए, तो अभी जो निफ्टी का कॉल है मेरे पास 17,500 का, इसका टारगेट क्या होगा अभी के समय में बताइए, जल्दी से बोलिए। और जो चीजें आपने स्टॉक्स पे अप्लाई किया है, ध्यान से सुनिएगा, जो चीजें आपने स्टॉक्स पे अप्लाई किया है एनालिसिस करने में, सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करना है, बस सिंपल सा प्रोसेस, आप देखिए तुरंत हो जाएगा, सेम प्रोसेस। बोलिए इसका टारगेट, सागर जी लिख रहे हैं 260, और दत्ता जी भी 260, बहुत बढ़िया, और चिराग जी लिख रहे 134, रूपांशु जी लिख रहे हैं आज का हाई, तो आज का हाई क्या है देख लें, आज का हाई क्या है 265 के आसपास, ठीक है 260 और 300, ओके ठीक है, 280 प्रताप जी का आया, 280। अब यहीं पे देखिए कितना डिफरेंस है, 275 मिहिर जी, अब यहीं पे देखिए एक ही, हाँ शिव शरण जी लिख रहे हैं फर्स्ट टारगेट 260, ठीक। अब यहीं पे देखिए एक ही चीज है, सबको इक्वल इक्वल देखना चाहिए, लेकिन नहीं, सब अलग अलग देख रहे है ना, ये मार्केट यार बिल्कुल ठीक कह रहे, आज का जो हाई होगा पहले अभी का जो है, अभी का वही टारगेट होगा जो अभी का हाई, ठीक है अभी का हाई, उस हाई को अगर ब्रेक करके क्लेम कर गया, अगर उस हाई के ऊपर क्लेम कर गया, दैट मीन्स यहाँ पे 17,700 का जो ये हाई बनाया, पहला टारगेट भी वही होगा, लेकिन 17,700 पे इतना बड़ा हडल है, 17,650 मेक और ब्रेक लेवल है, जैसे कि ऑप्शन चेन पे मैंने आपको दिखाया बराबर बराबर है, यहाँ पे 19,50,000 है कॉल में, और यहाँ पे 19,00,000 है लगभग 20,00,000 है पुट में, तो ये वो प्राइस है जहाँ पे, ये वो लेवल है जहाँ पे मेक और ब्रेक है, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके नीचे नेगेटिव, और 17,700 ये ब्रेक हो जाने के बाद बड़ी रैली, तो पहला टारगेट तो वही जो आज का हाई बना है वही होगा, क्योंकि वो 17,700 के आसपास का है, इसी तरह यहाँ पे भी आज का हाई ही हमारा टारगेट होगा पहला 265, और जब इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो ये आपको बड़ा रैली दिखाएगा, जो की ये 300-320 तक भी जाने का क्षमता रखता है, पर कंडीशन अप्लाई, अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है, क्या है कंडीशन अप्लाई, कि तब तक वो अपना सपोर्ट नहीं तोड़े, तब तक वो अपना सपोर्ट नहीं तोड़े, अगर वो टूट गया तो फिर कॉल वाले हावी हो जाएंगे, और जब कॉल वाले हावी हो जाएंगे तो हमारा सारा वहां पे ये हो जाएगा, कम हो जाएगा प्रॉफिट, लॉस नहीं होगा कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का सौदा लॉस में लेके घर थोड़ी जाना है, प्रॉफिट में जाना ना, प्रॉफिट में जाना, तो फिर हमें क्या दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए लूपिंग, अब यहाँ पे लोगों को डर भी लग रहा होगा कि अरे गलत जगह फंस गया है ना, चलिए इस पर एक वोटिंग कराते हैं, यहाँ पर कितने लोगों को लगता है कि लूपिंग प्रॉफिट देगा, कितने लोगों को, अच्छा चलिए इसे डायरेक्ट लिखता, प्रॉफिट देगा या लॉस, देखिए देगा या लॉस, कौन लूपिंग लिखता हूं, ऑप्शन प्रॉफिट और लॉस, और 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं,
और समय शुरू होता है अब, आप वोटिंग करना स्टार्ट करिए। 100 प्रॉफिट में 80%, 70% लॉस में 25%, 78 वाह 78, 80-20, 80-20 का रेशियो है, बहुत बढ़िया। 64-40, 60-40 मुकाबला कड़ा है, कड़ा मुकाबला। 63-38, 56-40 मुकाबला लॉस की तरफ बढ़ता हुआ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, लॉस की तरफ। 48-42, 60-40 वाह ये मुकाबला देखें। और एक सेकंड बस करता है, 60-40 का रेशियो है। अब आप देखिए माइंडसेट, 60-40 का रेशियो, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि आज का मार्केट जो है एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा साइडवेज हो रहा है, क्योंकि 60-40 लिया ना आपने, कितने का लिया, 60-40 लिया। जब आप 60-40 ले रहे हैं तो इसका मतलब ज्यादा का डिफरेंस नहीं रख रहे। तो एनएसई इंडिया पे चल के अगर आप लोग देखते हैं तो हमारा डेटा क्या दिखा रहा है, हमारा ये चीज क्या कि मार्केट ऊपर खुला, हमारा मार्केट ऊपर खुला, ऊपर खुल के भी ऊपर ही टिक रहा है, अपने एक जगह पे होल्ड आउट कर रहा है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं ले रहा, ना ज्यादा वो ऊपर जा रहा है और ना ज्यादा वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट गैप अप खुला और यहीं पर होल्ड आउट कर रहा है, यही आपका भी बता रहा है जो पोल है ना, वो जो पोल है आपका पोल यही बताने की कोशिश भी कर रहा है कि मार्केट गैप अप खुलने वाला जगह पर है, ज्यादा ना ऊपर जाना ज्यादा नीचे, इसलिए डिफरेंस भी आपका देखिए 60-40 का आ रहा है, ऑटोमेटिक आगे 60-40 का। तो लुपिन में 40% लोग कह रहे हैं कि लॉस हो जाएगा, नमस्कार, और 60% लोग कह रहे हैं प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखते 60 जीता या 40। देखेंगे 60 जीतेगा या 40 जीतेगा। समय 10:06। अच्छा, जितनी बात मैंने अभी आपको शुरू से समझाया, अगर आप लोग उसमें से 5% भी फॉलो कर लेना तो मेरा ख्याल से आप लोग का काम सारा हो जाएगा, पर मुझे पता है लोग करते नहीं, लोग फिर बंद करेंगे, बंद करके फिर वही शुरू हो जाएगा, जैकपॉट वाला इंटरनेट चैनल जाके ढूंढेंगे, वो जैकपॉट वाला क्या ढूंढते, टेलीग्राम चैनल, जैकपॉट वाला टेलीग्राम चैनल। हमको बोलते भी हैं सर, नहीं सर ना, बस मैं कोई फॉलो नहीं करता सर, मैं बस इतना ही। अरे आप 50 फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे चीज अच्छे वाला फॉलो करिए ना, वो बेकार वाला क्यों फॉलो करते हैं, जिसको खुद नहीं पता है कि भारत का पूर्व राष्ट्रपति, हाँ भारत का पूर्व राष्ट्रपति कहता है कि SBI के पास भारत के पूर्व राष्ट्रपति का 70% हिस्सेदारी, और वो व्यक्ति कोर्स पढ़ाता है, हाँ भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का फोटो लगाता है, मैंने डाला था ना टेलीग्राम पर कि बताइए इसमें क्या गलती है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति के पास नहीं, भारत का जो राष्ट्रपति का पोस्ट होता है, कोई भी राष्ट्रपति बैठे उस पे सारे कंपनियों का अधिकार होता है, क्योंकि वो भारत के राष्ट्रपति के अंतर ही आता है, अंदर में ही आता है, भारत के राष्ट्रपति का ही सिग्नेचर उस पे चलता है, ठीक है। तो जो भी पोस्ट पे रहेगा उसके द्वारा वो हो जाता है, तो चाहे वो पोस्ट खाली भी रहे, कोई आदमी ना बैठे, फिर भी वो भारत के राष्ट्रपति का उतना परसेंट हिस्सेदारी उसमें रहेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर का किसी में चल जाएंगे तो भारत के राष्ट्रपति का बंधक मिलता है, चाहे वो पोस्ट खाली ही क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी भारत के राष्ट्रपति का रहेगा। तो जरूरी नहीं वो पूर्व वाला हो, लेकिन वो लगा रखा था पूर्व वाला, है ना, पूर्व राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद का भी फोटो लगा रहा था, और वो व्यक्ति कोर्स पढ़ा रहा है, तो बताइए आप किसको फॉलो कर रहे हैं भाई, जिसको खुद नहीं आ रहा। डाला था ना टेलीग्राम पे कि बताइए इसमें क्या मिस्टेक है, देखिए यहाँ, और आप लोगों ने लिखा भी था उसके बारे में कि ये भी गलत है, रमेश जी ने बताया था सही, लेकिन सही जवाब रमेश जी ने दिया था, हालांकि बहुत सारे लोगों ने भी दिया, लेकिन रमेश जी ने भी दिया था। मैं एक बार दिखाता हूँ, और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ उस पोस्ट को दोबारा से, और ताकि देखिए मेरे व्यूअर के लिए भी जानना जरूरी है ना भाई, कि आप चीज को गलत सही, ये सोशल मीडिया का जमाना, आप पता नहीं कर पाएंगे, याद आ गया रूपांशु जी, ओके, पता नहीं कर पाएंगे कि क्या सही क्या, क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग चलता है ज्यादा, है ना, इसमें क्या गलती है, शायद ये वर्ड मैंने लिखा था, शायद वो आ जाए, मैं इमेज में जाके देखता हूँ, शायद मुझे मिल जाए, है ना, मॉर्निंग मॉर्निंग माधी साहब, यहाँ यहाँ ये वाला देखिए ये, है ना, अभी इसको मैं करता हूँ गो टू मैसेज, तो यहाँ पे ये वाला पोस्ट देखिए, SBI का मालिक, भारत की सबसे बड़ी बैंक SBI, ये मैंने एक इंस्टाग्राम से उठाया था, है ना,
और किसी ने डाला था सब SBI लो इंटरेस्ट के साथ EMI देता है। ये कौन सा है भैया, इंटरेस्ट के साथ EMI कौन सा बैंक देने लगा? क्या आप जानते हैं SBI के मालिक कौन कौन है? आम जनता 8.5%, 7.5%, इंडियन इंस्टीट्यूट 25%, विदेशी निवेशक लगभग 9.5%। अब भारत के पूर्व राष्ट्रपति, ये तो सबसे यूनिक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति का 70.63% पूर्व राष्ट्रपति, मतलब ये क्या बताना चाह रहा है। इसलिए मैंने लिखा था, किसी भाई साहब ने इंस्टाग्राम, मैंने लिखा भी था किसी भाई साहब ने इंस्टाग्राम में ये पोस्ट किया है, पिक्चर के कैप्शन में क्या गलती है कोई बता सकता है तो मुझे मेरे मोबाइल ऐप पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो ये कभी भारत का पूर्व राष्ट्रपति नहीं होगा, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में कभी भारत का पूर्व राष्ट्रपति नहीं, सिर्फ भारत का राष्ट्रपति आएगा। और ये व्यक्ति कोर्स बेचता है, मिलियन में सब्सक्राइबर है, मिलियन में सब्सक्राइबर है इसका, ये स्थिति हो रखी है क्योंकि उसके नाम के आगे जैकपॉट लगा हुआ है ना, उसके आगे जैकपॉट लगा हुआ है, वो खुद नहीं जान रहा है कि उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको एक ऑफ द रिकॉर्ड है ना बात कर रहा हूं, अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूं, एक बात बता रहा हूं, अभी अभी मेरे भारत के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से बहस हो गई, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है भारत का, बहुत बड़ा, उसका टीवी पे एड आता है ना। एक मिनट, एक कॉल ले लूं, एक्सिस वाले का है। तो भारत का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो बाल बच्चे को कोचिंग देता है, पढ़ाता है, आपके तरफ से भी फोन आया होगा बाल बच्चों को एडमिशन के लिए, मेरे पास भी आया था कि मेरे ऐप पर आ जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए और बच्चों को पढ़ाइए, शेयर मार्केट के बारे में बताइए वगैरह, दिस डेट, ठीक है। तो मैंने मैंने कहा भी चलिए, तो आपका तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, फिर मुझे क्यों, मेरा मुझे तो लोग भी नाम नहीं जानता। तो उसने मुझे कुछ रीज़न बताया कि हम लोग एक भारत के सब छोटे बड़े लोगों को ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई आपके पास कौन कौन ऐड है, कुछ नाम बताइए दो चार। तो उसने दो चार नाम मुझे बताए, ठीक है ना, शेयर मार्केट से रिलेटेड। लेकिन जैसे उसने किसी एक का पर्टिकुलर नाम ऐसा लिया जिसको खुद नहीं आ रहा है मार्केट, जिसको खुद शेयर मार्केट नहीं आ रहा, वो वहां शेयर मार्केट के बारे में बता रहा है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं जुड़ना आपके साथ, मुझे इस पाप में भागीदारी ना बनाए, एकदम मैंने यही लैंग्वेज बिहारी लैंग्वेज में बोला, मुझे आप अपने इस पाप में भागीदारी बिल्कुल ना बनाए, मुझे दूर रखें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत महानुभाव से जुड़ चुके हैं सर, है ना, उन लोगों को जिनको पता नहीं है क्या है स्टॉक मार्केट, जिसको हर ग्रीन कैंडल पे बाय नजर आता है और हर रेड कैंडल पे सेल नजर आता है, आप लोग उसको जोड़ के रखे हुए, मेरी तो जरूरत नहीं है वहां पे और मैं अपना यहाँ पे खुश हूँ। कहा नहीं सर, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन लोगों को हम ऐड कर रहे हैं नहीं ऐड कर। मैंने कहा कोई मतलब नहीं है मुझे, लेकिन अब मुझे मतलब हो गया है कि मुझे पता चल गया आपकी क्वालिटी क्या है, आप बहुत बड़े हैं, पैसा के दम पे, मार्केटिंग के दम पे, टीवी पे ऐड आता है, बड़का सुपर स्टार आपका ऐड करता है, फलाना ढिमकाना बहुत, लेकिन मुझे पता चल गया आपको खुद नहीं आ रहा है, आपको बेचना आता है, बस ये जान रहा हूँ, मुझे नहीं जुड़ना आपके साथ। वो कह रहा था आप भी आइए जुड़िए और शेयर मार्केट के बारे में पढ़ाइए। मैंने कहा ऑलरेडी लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और जिसको आपने जोड़ रखा है वो आपको पढ़ा दे रहा है, क्योंकि उसको खुद हर ग्रीन पे बाय नजर आता है, रेड पर सेल नजर आता है, आपने वैसे लोगों को जोड़ रखा है, फिर मेरी तो जरूरत ही नहीं वहां पे, मेरी तो बात ही एक्चुअली 2 दिन में तो लोग यहाँ पे सेमिनार लेके निकल जाते हैं होटल में खाना पीना खिला के, मुझे तो 2 दिन वार्म अप में लग जाता है, टाइम लग जाता है 2 दिन में, मेरा तो क्लास ही 2 दिन में खत्म नहीं हो पाता। हुआ है क्या कभी आप लोगों का क्लास मेरे साथ 2 दिन में खत्म, बताइए तो, कम से कम 1.5 महीना लग जाता है। क्या लिख रहे आप, ब्रोकर को कॉल दे रहे सर? अरे वो फोन करता है भाई, फोन करता है वो कि सर बताइए कुछ क्या बताऊं, चल रहा है ना मेरा वाला, क्या चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है। अब वो ब्रोकर छोटा मोटा ब्रोकर नहीं, भारत का बड़ा बहुत बड़ा ब्रोकर है। लोग देखिए जहां पे माउथ पब्लिसिटी और ये मान एडवर्टीजमेंट तो मैं करता नहीं, मेरा माउथ पब्लिसिटी हो जाता है, लोग मुंह से ही मेरे बारे में बात कर लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ठीक बोलता है, गलत बोलता है, सही बोलता है। तो कुछ जेन्युइन लोग हैं मार्केट में जो ये बात जानते हैं, वो लोग मुझे कॉल करके पूछता जरूर है एक बार कि सर कैसा लग रहा है मार्केट, क्या चल रहा है मार्केट। ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड हाउस से फोन आया, सुनिए। हाँ बोला कि आपके लिए सर रिकमेंडेशन है, सुनिए जरा। मैंने कहा क्या रिकमेंडेशन है? तो एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च हो रहा है इसमें ये, मैंने कहा आप तो, उसने अपना बताया परिचय कि वो जो उसका है वो था,
ठीक है, अच्छे पोस्ट पे था म्यूचुअल फंड। मैंने कहा बस हमको 5 मिनट समय दीजिए सर, मेरे पास एक म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, आंसर करिएगा, और अगर आपको लगता है गलत सही तो आप मुझे बताइए। बोला ठीक है। मैंने कहा मैंने एक म्यूचुअल फंड बनाया है। अब सुनिए, मैंने कहा उनको कि सर मैंने एक म्यूचुअल फंड बनाया है और उस म्यूचुअल फंड के अंदर ये सारे स्टॉक्स हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर तो स्टॉक ही होता है ना, तो ये मैंने म्यूचुअल फंड बनाया और ये इसके अंदर मैं SIP करता हूँ और इसमें मुझे क्या एडिट करना है। उसने एक लाइन में बोला सर आपको मेरी जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी इतना अच्छा बना रखा है, आपको क्यों कोई हम सलाह दे के क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ, तो आप क्या करते हैं। मैंने एक लाइन में कहा मैं इसी से खाता हूँ, मतलब मैंने कहा भाई मैं मेरा यही काम है, मैं इतने साल से यही खाता हूँ, यही पीता हूँ, यही सोता हूँ, यही निकालता भी यही हूँ, मैं इसी से घर चलाता हूँ। जैसे उसने सुना कहा सर फिर तो आपसे इस बारे में कोई चर्चा है, बल्कि बहुत देर उसने बात किया, 2-3 घंटे बात उसने किया, बहुत अच्छा सा बात हुई और बहुत अच्छा सीख समझने को भी उनसे मिला, देश दुनिया का वो टूर ट्रेवल करके आए हुए हैं, कहाँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है बात हुई बहुत अच्छा। बोला सर बहुत भारत में कम ऐसे लोग हैं छोटे छोटे इलाके से जो इतना सिंसियर होकर बात कर पाते हैं, जो इतना तरीके से समझता है मार्केट को, क्योंकि अभी तक जितने लोगों को मैंने कॉल किया है तो मैक्सिमम लोग यही बोलता है कि 6 महीने में कौन सा डबल हो जाएगा, सारे लोग यही जानने के पीछे रहते हैं कि 6 महीने में कौन सा डबल हो जाएगा। मैंने कहा भाई तो क्या कर, गलत थोड़ी पूछ रहा है, बोलो गलत थोड़ी पूछ रहा है, एकदम लोग यही जा, क्योंकि प्रॉफिट ही तो कमाना है, अब डबल ट्रिपल लोग करना चाहते हैं 6 महीना में तो क्या करेंगे, उसमें क्या कर सकते हैं आप। एडवाइजरी वाले कॉल करते हो तो उनका क्या होता होगा, पूछे ना एडवाइजरी वाले, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। अच्छा एक बार एडवाइजरी वाले को मैंने क्या किया था, कुछ लोग बताएंगे जो रिकॉर्डिंग सुना होगा, क्या किया था एडवाइजरी वाले को मैंने पूछे, खुद बताएं, अभी भी शायद होगा अगर वो रिकॉर्डिंग निकालूंगा ना, यूट्यूब पे डाला था मैंने। वो टिप्स प्रोवाइडर वाले का ना, ओ उस दिन तो मजा आ गया था भाई। दोस्तों समय हो गया है 10:52 और 2 सेकंड। देखिए मैंने यहाँ पे अपना पोजिशन शिफ्ट कर दिया, क्या 681 का प्रॉफिट खा गए, निफ्टी का कॉल ऑप्शन 1627 का प्रॉफिट बुक किया, लूपिंग को काट दिया 3675 में, एक लूपिंग सॉरी एक निफ्टी का जो ये हाँ लूपिंग 3675 पे, और एक लूपिंग में 147 का लॉस हुआ था और एक पुट में 797 का, तो ओवरऑल यही मेरा 700-800 का प्रॉफिट शिफ्ट किया। क्या पोजिशन 17500 का कॉल को काट के मैंने 17450 पर शिफ्ट किया, बस यही एक है। इसका टारगेट रहेगा 280 का, ठीक है, इसका एक टारगेट लगा देता हूँ, हालांकि टारगेट ऊपर चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा 300 तक कर देते 299, ठीक है, इसके टारगेट में लगा देता हूँ 295 रुपये का और छोड़ देता हूँ, यही होगा, नीचे आएगा तो ऐड कर लेंगे क्वांटिटी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फिलहाल वेट करते हैं, देखते हैं क्या वहाँ तक जाता है। दोस्तों समय 11:51 और 52 हो गया, तो देखिए ऊपर के साइड में जो है ना एक बेहतरीन तरीके से चल तो रहा है मूवमेंट, और मैंने टारगेट लगा रखे 295 रुपये का एक टारगेट मैंने लगा रखा है, मिल जाना चाहिए 295 में, मिल जाना चाहिए कोई दिक्कत नहीं, वेट कर लेते थोड़ा टाइम है, मिल जाएगा। 17600 पर ट्रेड कर रहा है ये, 17700 तक वापस दोबारा जाना चाहिए, उस हिसाब से मुझे यहाँ पे 295 तक का प्रॉफिट बन जाना चाहिए, तो वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन आता है यहाँ पर, है ना। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं। तो दोस्तों 1000 का हो गया है, देखिए अब वापस ऊपर चल रहा है, पोजिशन यही है मेरा, 17-1800 का प्रॉफिट है, खास नहीं है, तो अब पोजिशन कट करने का टाइम, हालांकि ऊपर 295 तक जा सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है आज फ्राइडे का जो सेशन है उसके वजह से यहाँ प्रेशर रहेगा, तो यहाँ से मैं पोजीशन कट करूंगा। ग्रासिम जो दिया देखिए शानदार प्रॉफिट बना, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, अब मैं यहाँ से पोजीशन कट करूंगा दोस्तों और 17-1800 का प्रॉफिट लेके बंद करता हूँ। तो चलिए मिलूंगा मंडे को, हालांकि वीकेंड में भी आपको वीडियो मिलता रहेगा, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।